गाइस यू नो कुछ पिटबुल नॉर्मल टाइप के होते हैं और कुछ पिटबुल ऐसे होते हैं जो दिखने में बहुत ही हैवी और डेंजरस लगते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही पिटबुल लेके आया हूँ जो दिखने में बहुत ही डेंजरस है, बट इसका टेम्परामेंट इसकी बॉडी से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। जी हाँ गाइस, ये जो पिटबुल है ये बहुत ही फ्रेंडली है। इवन ओनर ने तो यहाँ तक कहा कि आप लोग इसे छोटे बच्चों के साथ भी आसानी से रख सकते हैं, बट ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग डायरेक्ट जाएं और इसके टेम्परामेंट को चेक करके इसे परचेज करें। बिकॉज यू नो हमारी फैमिली हमारे लिए सबसे पहले है और हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि किसी की वजह से भी हमारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आए। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस पिटबुल की क्वालिटी के बारे में। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है, ये चीज आप लोगों को खुद भी दिख रही है कि डॉग बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। वैसे गाइस ये पिटबुल एक्सल साइज में है और बहुत ही हैवी बोन है। और दोस्तों ओनर ने इस डॉग की सभी वैक्सीनेशन भी कंप्लीट करा रखी है, इवन साथ में आप लोगों को इसका कार्ड भी मिल जाएगा। और सेकंड चीज, ये डॉग बहुत ही अच्छे से मैटिंग भी करता है, तो आप लोग इसे एज ए स्टड सर्विस के लिए भी रखोगे तो ये ऑप्शन भी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। और हाँ दोस्तों, डॉग का प्राइस ऑलरेडी काफी अफोर्डेबल है, तो आप लोग एक दो मैटिंग में ये सभी पैसे रिकवर भी कर लोगे। बाकी इस डॉग का कलर भी बहुत ही अच्छा है, मोस्टली लोग ग्रे कलर को काफी पसंद करते हैं। वेल गाइस मेरी ये कुछ पिछली वीडियोस हैं, आई एम श्योर ये आप लोगों को काफी पसंद आएंगी, तो इन वीडियोस को भी एक बार जरूर चेकआउट करें। इनका लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में मिल जाएगा। बट गाइस वंस अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज प्लीज इसे परचेज करने से पहले इसके टेम्परामेंट और इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन जरूर ले लें, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। बाकी कुछ डिस्कशन करने के लिए आप लोग डॉग ओनर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आप लोगों को उनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वेल गाइस इस डॉग के बारे में और बातें करने से पहले, ये हमारी पिछली वीडियो के टॉप 3 कमेंट्स, जिसमें से फर्स्ट है संतोष गुप्ता, सेकंड है चर्चित भाटी एंड थर्ड है प्रणाली देसाई। तो गाइस आई एम श्योर डॉग की क्वालिटी आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी एज, प्राइस और लोकेशन के बारे में। तो फर्स्ट अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये डॉग 20 मंथ्स का हो चुका है और इसकी जो लोकेशन है वो है नजफगढ़ नियर न्यू दिल्ली से। और गाइस इस डॉग को परचेज करने के लिए थोड़ी मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी डायरेक्ट जाकर, बिकॉज ओनर आप लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो अगर आप लोग आसपास से बिलोंग करते हैं तो डायरेक्ट विजिट करके इस डॉग को परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि ओनर ने इस डॉग का प्राइस काफी अफोर्डेबल रखा है, तो आई एम श्योर आप लोग भी काफी एक्साइटेड होंगे इसके प्राइस को सुनने के लिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो फ्रेंड्स ये पिटबुल एक मेल डॉग है और बहुत ही फ्रेंडली है। तो ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो किया 12,000 रुपीस यानी 12,000 रुपए, और परचेज करते टाइम शायद आप लोगों को इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा बिकॉज प्राइस नेगोशिएबल है। तो गाइस आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोस एंड बाय बाय।